नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सातवें चरण का पहला रुझान जारी कर दिया गया है। समझिए कि ये मधुबनी जिले से स्टार्ट हो गया है। कल सचिवालय से लेटर जारी हुआ था और आज एक DPO की तरफ से ये लेटर जारी हो गया। अगर ऐसे ऐसे जिले अपना लेटर जारी करना स्टार्ट कर दे तो सातवें चरण में अब देरी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी सातवें चरण हेतु रिक्त पदों की गणना से संबंधित प्रतिवेदन जारी किया गया। उससे पहले ये लेटर भी हम आपको दिखाएंगे कि अभी मधुबनी का लेटर आया हुआ है। अगर आप सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सभी DU और DPO पे इस तरह का अगर दबाव बनाना चाहते हैं तो ये लेटर आपको हर एक DU और DPO की तरफ से देखने को मिल सकता है। जब तक ये DU और DPO की तरफ से लेटर जारी नहीं होगा, कोई भी पंचायत नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी, क्योंकि सचिवालय हो या शिक्षा विभाग हो, वो लेटर जारी करते हैं बिहार के 38 जिला के DU और DPO को। और जितने भी 38 जिले के DU और DPO हैं, वो ब्लॉक, पंचायत, नगर, ये तीनों को जारी करते हैं। जितने भी अधिकारी होते हैं, BO वो होते हैं, उनको जारी करते हैं, उनको आदेश देते हैं कि हम आपको एक टाइमलाइन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, इतने तारीख के अंदर आप हमें डाटा, एक आंकड़ा दीजिए किस विद्यालय में, किस पंचायत नियोजन इकाई में आपकी सीटें खाली हैं। तो ये सारा डिटेल, सादा अपडेट आपको मिलता रहे। तो अगर आप ऐसा एक्टिव होना चाहते हैं तो अपने DU और DPO पे दबाव बनाइए। तो पहला रुझान आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के तरफ से आया है, पहला लेटर जारी हुआ है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि सातवें चरण का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ ग्रुप में भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा में प्रशासक नगर निगम मधुबनी, यानी कि जो DPO हैं, DU हैं, वो जारी किए हैं इतने सारे लोगों के पास। अब इसमें देखिए कौन कौन आ जाते हैं। तो प्रशासक नगर निगम मधुबनी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झंझारपुर, कार्यालय पदाधिकारी नगर पंचायत घोघराडी, फुलपरसा, जयनगर एवं बेनीपट्टी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत सचिव, सदस्य सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई मधुबनी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, सभी पंचायत सचिव, सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत राज मधुबनी जिले के लिए इतना जारी किया गया है। विषय क्या है, डेट आज की डेट में है 27 मई 2022 ईस्वी। विषय है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि यानी कि बेसिक ग्रेड एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पद की गणना करने के संबंध में प्रसंग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 7/25/2019 526 दिनांक 26/5/2022 के आलोक में, यानी कि 26 तारीख को जो लेटर निकला है उसके आलोक में कहा गया है। अब देखिए, ये लेटर आ गया, अब ये लेटर जाएगा उनके पास जो पंचायत नियोजन इकाई के सचिव हैं, अधिकारी हैं, नगर के हैं, प्रखंड के हैं, उनके पास जाएगा और इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जब उनके पास जाइएगा तो बोलेंगे मेरे पास ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं है DU DPO की तरफ से, तो हम काम कहाँ से शुरू करें। तो यही आपका स्टार्टिंग है, यहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, महाशय, उपरोक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा जिन पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि यानी कि बेसिक ग्रेड एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूर्ण हो चुकी है, वहाँ रिक्त पदों की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त है। यानी कि 465 नियोजन इकाई को छोड़ के, एक पेपर में दिया था कि 65 या 67 ऐसे नियोजन इकाई हैं जहाँ पे छठे चरण का वर्तमान प्रक्रिया अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ, तो वहाँ को छोड़ के बाकी सब जगह का लगभग पूरा हो गया है। और जहाँ पूरा हो गया है वहाँ के रिक्त पदों की गणना स्टार्ट कर दी जाए कि आपके नियोजन इकाई में, आपके पंचायत नियोजन इकाई में, नगर निगम और प्रखंड में कितने सीटें किस कैटेगरी के हैं वो आप शुरू कर दें। निदेशालय से प्राप्त उपयुक्त आदेश के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत अवस्थित विद्यालयों में दिनांक 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार, यानी कि 31 तक आपको स्थिति दर्शाना है, के अनुसार
विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना इस पत्र के साथ संलग्न एक रूप में संलग्न विहि पत्र में वांछित प्रतिवेदन दिनांक 15/6/2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि 15 जून तक आपको हर हाल में कार्यालय को उपलब्ध कराना है। 15 जून के बाद वो डीएम से रोस्टर क्लियरेंस करवाएंगे, फिर उसको 25 जुलाई तक अपलोड कर देंगे, ये अभी क्लियर होगा। फिर देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान में पूर्ण की गई नियोजन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराई गई रिक्त की गणना वर्ष 2012 में की गई थी, यानी कि जो छठा चरण चल रहा था वो 2012 की रिक्ति की गणना के आधार पर ही चल रहा था, यानी कि 2012 देखिए गणना वर्ष 2012 में की गई थी। वर्ष 2012 में प्राप्त रिक्ति के आधार पर रोस्टर अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई थी, जो वर्ष 2016 एवं 2019 में अवशेष रिक्ति को पुनः अनुमोदित कराकर सरकार नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है, यानी कि जो 2016-19 में जो नियोजन हुआ है वो 2012 की गणना के अनुसार ही हुआ है। इस स्थिति में आप आदेशित है कि वर्ष 2019 में प्राप्त कराए गए रोस्टर बिंदु के विरुद्ध वर्तमान चरणों में पूर्ण की गई प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों का नाम कोटिवार इस पद के साथ संलग्न अनुसंलग्न 2 के रूप में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर दिनांक 15/6/2022 तक अचूक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विश्वास वजन नसीम अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी। देख सकते हैं आज के डेट में ये लेटर जारी किया गया है। अब इस फॉर्मेट को आपको हम डाटा दिखाएंगे, इसी फॉर्मेट में देना है। अब यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, सातवें चरण हेतु रिक्त पदों की गणना से संबंधित प्रतिवेदन। रिक्ति की गणना 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार ही करना है। कोटी है, मूल कोटी है, बेसिक ग्रेड है, यानी कि कोटी में मूल कोटी और बेसिक ग्रेड, यानी कि 125 और 628 भी दर्शाना। पंचायत हेतु तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जहाँ तक चल जाए ये फॉर्मेट जारी किया है। प्रखंड का नाम, फिर यहाँ पे प्रखंड का नाम होगा कि किस प्रखंड के विद्यालय किस प्रखंड में है, तो इस प्रखंड का नाम होगा। यहाँ उस प्रखंड के उस विद्यालय का नाम अंकित किया जाएगा। फिर नामांकित बच्चों की संख्या, उस विद्यालय में कितने बच्चे हैं उसमें बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्शाया जाएगा। फिर उसके बाद है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 7 शिक्षक अनुपात के स्वीकृति पदों की संख्या क्या है। अभी अगर पुराने वाले नए शिक्षा नीति के चले तो 40 और 45 पर एक टीचर हैं। अगर नया लागू होता है नई शिक्षा नीति 2022 की बात करें तो वो हो जाएगा 30 और 35 पे एक बच्चे हो जाएंगे, तो ये वहाँ पर दर्शाना, एक शिक्षक हो जाएंगे। कार्यरत बल कितने हैं वो दर्शाना है, रिक्त पद कितने हैं वो दर्शाना है, और अभियुक्ति क्या है वो यहाँ पे दर्शाना है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में हमने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हैं। पंचायत सचिव, सह सदस्य सचिव हस्ताक्षर एवं मुहर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर यहाँ पे लगाना है। तो ये पूरा डिटेल हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।